हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी और आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन जो होता है आपका थ्री फेज सिस्टम में यूज़ होता है। थ्री फेज सिस्टम यानी थ्री फेज जो सप्लाई होती है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप थ्री फेज सिस्टम में आपका ट्रांसफार्मर में या जो मोटर होती है थ्री फेज मोटर्स, ठीक है, उनमें यूज़ होता है ये कनेक्शन। यानी जो तीन वायर आती है थ्री फेज में, उनको आपस में कैसे कनेक्शन करना है। ठीक है, तो उसमें एक बनता है स्टार, एक होता है डेल्टा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बुक में। तो पहले हम स्टार को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों का डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये स्टार है और ये डेल्टा है। ठीक है, दोनों सिंबल है स्टार और डेल्टा का बना रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले हम स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास एक वाइंडिंग है। वाइंडिंग क्या होती है, जैसे हम किसी तार को ऐसे लपेट दे तो एक वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को क्या करेंगे, लेके उनको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, एक सिरा, क्योंकि एक वाइंडिंग में कितने सिरे होते हैं, दो दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं, तो एक एक टर्मिनल उठा के तीनों को शॉर्ट कर देंगे। तो एक इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल, इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल, इस इन तीनों को शॉर्ट करके वहां से हमारा मिल जाएगा एक न्यूट्रल। ठीक है, और बाकी जो टर्मिनल बचे वहाँ से हमारे निकल जाएंगे फेस, यानी आर वाई बी। तो इस तरीके से बनता है हमारा स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो और ये है डेल्टा। डेल्टा में क्या करेंगे, जो तीन वाइंडिंग होगी उसको कैसे जोड़ेंगे, एक वाइंडिंग का एक सिरा, दूसरी वाइंडिंग का ये वाला सिरा आपस में ज्वाइन कर देंगे, इस वाइंडिंग का ये वाला टर्मिनल, इस वाइंडिंग का ये वाला टर्मिनल आपस में ज्वाइन कर देंगे, इस वाइंडिंग का ये वाला टर्मिनल, इस वाइंडिंग का ये वाला टर्मिनल आपस में ज्वाइन करेंगे। जहाँ जहाँ ये ज्वाइंट होंगे वहाँ वहाँ से एक क्या निकालेंगे, वाई निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फेज बन जाएगा आर वाई बी। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो ये था स्टार और डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम। अब हम इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको स्टार कनेक्शन में दिख रहा होगा, सबसे पहली बात यह है कि जो स्टार कनेक्शन होता है वो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम होता है। ठीक है, यानी इसमें तो तीन तो फेज हैं आर वाई बी और एक न्यूट्रल है, तो ये कितनी वायर हो गई, चार वायर। ठीक है, जो डेल्टा होता है आपका क्या होता है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो ये होता है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, नहीं सॉरी, थ्री फेज थ्री वायर। ठीक है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, यानी तीन वायर होती ना, तो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फिर से एक चीज और आता है, जो इसमें फेस करंट होती है, लाइन करंट होती है, वो फेस करंट के रूट थ्री होती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेस करंट क्या होती है, लाइन करंट क्या होती है। फेस करंट होती है फेस और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होती है, इसे फेस वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये चाहे ये अलग फेस वोल्टेज हो, चाहे इन दोनों के बीच हो, चाहे इन दोनों के बीच, ये फेस वोल्टेज होगी। लाइन वोल्टेज होगी दो फेसों के बीच में, मान लो इन दोनों, तो ये हो गई लाइन वोल्टेज। ठीक है, आर और वाई के बीच में, या वाई और बी के बीच में, या आर और बी के बीच में लाइन वोल्टेज होती है। ठीक है, तो ये होती है रूट थ्री होती है फेज वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है स्टार में। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा डेल्टा में। इसमें क्या हो जाएगा, लाइन करंट फेज करंट के क्या हो जाता है, रूट थ्री हो जाता है, और लाइन करंट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। लाइन करंट क्या हुआ, जो लाइन में फ्लो होती है। ठीक है, किसी भी फेस में जो करंट फ्लो रही है उसे लाइन करंट बोलेंगे। ठीक है, और फेस करंट किसे बोल देंगे, फेस और न्यूट्रल के बीच में जो करंट फ्लो रही है उसे फेस करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में होता है, स्टार में और डेल्टा में। तीसरी चीज इनका फॉर्मूला होता है पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, पी इक्वल टू थ्री वी पी आई पी कॉस फाई। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे Vp की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे तो लाइन वोल्टेज में ये फॉर्मूला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई। ठीक है, यहाँ से Vp की वैल्यू रख दी, यहाँ Ip की वैल्यू रख दी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें सेम फॉर्मूला इसमें भी आ जाएगा आपका। ठीक है, पावर का, तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला होता है। अगली चीज हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये स्टार कनेक्शन होता है वो आपका ट्रांसमिशन में भी यूज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन में क्यों यूज होगा, क्योंकि हमें पता है
ट्रांसमिशन में जो लाइन करंट लाइन वोल्टेज होती है वो रूट थ्री फेज वोल्टेज की होती है, यानी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि हम ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज करते हैं तो इसलिए भी ट्रांसमिशन में क्या स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, हमें स्टार में मिलता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन हमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन यूज़ करते हैं। तो स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी वाली क्या होती है, हाई होगी, सेकेंडरी वाली लो होगी। तो जो प्राइमरी साइड होगा वो डेल्टा कनेक्शन होगा, यानी डेल्टा स्टार कनेक्शन ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट में न्यूट्रल चाहिए होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा कनेक्शन ज़्यादा यूज़ होता है, और ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार कनेक्शन यूज़ होता है आपका, ठीक है। अगला चीज़ है जो स्टार कनेक्शन होता है आपका, वो यूज़ होता है किसमें, लो, जहाँ पे हमें लो करंट की आवश्यकता होती है, लो करंट या लो टॉर्क, ठीक है। लो करंट और लो टॉर्क क्या हुआ, जैसे हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है जो लो रेटिंग की होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं फिर डेल्टा में, क्योंकि आपको पता है स्टार में क्या होता है, जो फेज वोल्टेज हो जाएगी वो लाइन वोल्टेज के रूट थ्री हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे से आप निकालोगे वीपी की वैल्यू तो ये रूट थ्री इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, यानी फेज वोल्टेज क्या हो जाएगी, अगर 440 है तो रूट थ्री से डिवाइड कर दोगे तो मतलब बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, सिंगल फेज वाली वोल्टेज आ जाएगी। तो यानी स्टार्टिंग में जो मोटर की स्टेटर की वाइंडिंग होगी, क्योंकि थ्री फेज मोटर होती है उनमें जो स्टेटर होते हैं वहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, मान लो थ्री फेज वाइंडिंग होगी तो इनमें क्या होगा, स्टार्टिंग में 220 वोल्टेज या इसके आसपास की वोल्टेज इनको मिलेगी, इससे क्या होगा, लो करंट मिलेगी और ये वाइंडिंग क्या होगी, बर्न नहीं होगी, जलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में क्या, लो करंट देने के लिए स्टार्टिंग में स्टार पॉइंट पे चलाते हैं, ठीक है, या लो करंट की जहाँ पे जरूरत पड़ती है या लो टॉर्क की, वहाँ पे हमें स्टार कनेक्शन यूज होता है, ठीक है। डेल्टा में क्या होगा, डेल्टा में आपको पता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, यानी अगर 440 आ रही है तो इन वाइंडिंगों को सीधे 440 वोल्ट मिलेगी। तो जहाँ पे भी हमें हाई करंट की जरूरत, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा मिलेगी, तो जहाँ पे हाई वोल्टेज की जरूरत होगी वहाँ पे डेल्टा कनेक्शन यूज हो गया, या हाई टॉर्क, ठीक है। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें स्टार्टिंग में स्टार में चलाएंगे फिर डेल्टा में उसको फुल वोल्टेज मिलती है और वो हाई टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है। तो जब लो करंट हमारी क्या होगा, लो करंट के लिए हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ और है, एक पॉइंट और, इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन लेस हो जाता है हमारा, यानी वहाँ पे इंसुलेशन कम जरूरत होती है हमें, ठीक है, यानी वाइंडिंगों को बीच में या इंसुलेशन जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो लो होगा, क्योंकि लो करंट होगी तो ज़्यादा इंसुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यहाँ पे हाई इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लो इंसुलेशन और हाई इंसुलेशन। तो ये बेसिक नॉलेज आपका स्टार और डेल्टा में, स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ठीक है। तो थ्री फेज में यूज़ करते हैं इसको, और जाते ये जो तुम्हारे कनेक्शन यूज होते हैं वो कहाँ होते हैं, जैसे एसी मशीन होगी, थ्री फेज मशीन, जैसे मोटर हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया, इनमें कनेक्शन यूज होते हैं, या ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज होते हैं तुम्हारे, ठीक है, ये कनेक्शन, तो इन्हें याद रखना, ठीक है। तो थैंक यू, और इनमें इनका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्टार और डेल्टा में, जिसमें मैं यूज़ बताऊंगा कि किन मोटर में स्टार कनेक्शन यूज होता है या किन ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन यूज होता है, ठीक है, कहाँ डेल्टा यूज होता है, तो उस पर एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद। तो थैंक्स।